नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक नहीं बल्कि कई टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, अगर आप चाहें तो अपने पसंद के टॉपिक पर डायरेक्ट जंप कर सकते हो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के बर्थडे स्टार रामचरण से। ट्रिपल आर की मैसिव सक्सेस के बाद रामचरण के फैंस अपने स्टार की नेक्स्ट फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इनके अगले लाइनअप्स भी काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। यूँ तो गेम चेंजर इस साल के अंत तक रिलीज होगी, मगर मैं फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनके अगले प्रोजेक्ट RC-16 और RC-17 से, जिसका इनडायरेक्ट कनेक्शन रंगस्थलम फिल्म से होने वाला है। दोस्तों साल 2018 में एक फिल्म रिलीज हुई थी रंगस्थलम, ये वो पहली फिल्म थी जिसमें रामचरण को सबसे रूरल कैरेक्टर में प्रेजेंट किया गया, साथ ही साथ रामचरण को एज ए एक्टर खुद को प्रूव करने का मौका भी मिला। खुद SS राजामौली सर ने कहा था कि मगधीरा की शूटिंग के दौरान उन्होंने रामचरण को लेकर इतना नहीं सोचा था कि वे इस दर्जे के एक्टर साबित होंगे। चिट्टी बाबू का रोल रामचरण की फिल्मोग्राफी का सबसे एक्सपेरिमेंटल और सबसे सेलिब्रेटेड रोल है और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है। रंगस्थलम के बाद से रामचरण को उसी अवतार में देखने की डिमांड एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस की तरफ से आती रही है और अब ये ख्वाहिश मानो पूरी होने वाली है। रंगस्थलम फिल्म के डायरेक्टर थे सुकुमार और इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे बुच्ची बाबू सना, और अब ये दोनों गुरु चेला मिलकर अपनी अलग अलग फिल्म बना रहे हैं। इन दोनों ही फिल्मों में रामचरण को रूरल लुक में प्रेजेंट किया जाएगा। दोस्तों RC-16 के अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी थी, वहीं पिछले ही दिनों RC-17 पर भी मुहर लग चुकी है और अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि इस फिल्म को रंगस्थलम फेम डायरेक्टर सुकुमार ही डायरेक्ट करेंगे। दोस्तों पुष्पा 2 के बाद डायरेक्टर साहब इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2024 के लास्ट तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और डायरेक्टर्स की प्लानिंग है कि इस फिल्म को 2025 के अंत तक रिलीज किया जाएगा। सोर्सेस की माने तो फिल्म की कहानी रंगस्थलम के टाइम पीरियड से और भी पीछे जाने वाली है। यहाँ पर रामचरण खां में मोर मासी और मोर रूरल अवतार देखने को मिलेगा। दो घोड़ों वाले पोस्टर के साथ इस फिल्म के वर्किंग टाइटल की अनाउंसमेंट की गई है। इस पोस्टर को देखकर आपको क्या लगता है कि ये फिल्म किस बारे में होगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। खैर नेक्स्ट हम बात करेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। बड़े मियाँ छोटे मियाँ साल 2024 की वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी है, जिसका ट्रेलर अभी कल के दिन ही रिलीज हुआ है। ऑल्दो फिल्म का ट्रेलर इतना भी बुरा नहीं है, फिर भी कुछ यूट्यूबर्स फॉर द सेक ऑफ क्लिकबेट इस फिल्म को जबरदस्ती ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर एक गुड और एंटरटेनिंग ट्रेलर साबित होता है। दोस्तों यहाँ पर मेरे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। निगेटिव्स की बात करें तो ऑब्वियसली ट्रेलर का लेंथ कम होना चाहिए था, साथ ही साथ इसके जो डायलॉग्स हैं उस पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। डायलॉग्स मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये फोर्स्ड हैं, जिन्हें बोलने के लिए बस बोला जा रहा हो। I mean डायलॉग ऐसे हों जो कम शब्दों में ज़्यादा इम्पैक्ट डालें, मगर यहाँ पर एकदम अपोजिट है। यहाँ पर शब्द तो ज़्यादा यूज़ किए गए हैं मगर उनका इम्पैक्ट कहीं भी नहीं पड़ता। एंड एक मेरा रैंडम ओपिनियन ये है कि मेकर्स को फिल्म के टाइटल पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। आई डोंट नो आप लोग एग्री करोगे या नहीं, मगर यदि आप फिल्म का टाइटल बड़े मियाँ छोटे मियाँ रख रहे हो तो एटलीस्ट क्लासी फिल्म का ह्यूमर तो आपको लेकर आना ही चाहिए था, मगर फिलहाल ट्रेलर भर से तो हमें वो ह्यूमर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और हो सकता है कि आप मेरी इस बात से बिल्कुल भी एग्री ना करो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फिल्म का टाइटल कुछ इंग्लिश में होना चाहिए था, जिसके चलते ये फिल्म हिंदी के साथ साथ पैन इंडिया और ग्लोबल मार्केट को भी अच्छे से टैकल कर पाए। I mean देखो अब फिल्म का स्केल इतना बड़ा है, मिशनरी हैं, रोबोट्स हैं, AI का यूज़ है, टॉप क्लास एक्शन है, विलन भी इतना पावरफुल है और आप नाम रखते हो बड़े मियाँ छोटे मियाँ। खैर बात करें पॉजिटिव की तो वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को साथ में देखना काफ़ी एक्साइटिंग हो गया था। वजह थी दोनों बेस्ट डांसर हैं और बेस्ट पर्सनैलिटी बना के रखे हुए थे। मेकर्स ने इस बार भी दो ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया है जो कुछ चीज़ों में सिमिलरिटी ज़रूर रखते हैं। टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और इन दोनों को साथ में देखना वाकई एक्साइटिंग होगा। अली अब्बास जफर का डायरेक्शन है जो कि एक प्रॉमिसिंग डायरेक्टर हैं। दोस्तों इस फिल्म के एक्शन और विजुअल बेहतरीन लग रहे हैं, स्पेशली जो हॉर्स वाला सीक्वेंस है वहाँ की सिनेमाटोग्राफी भी हमें कमाल की देखने को मिलती है।
प्लस फिल्म का अनदर प्लस पॉइंट है पृथ्वीराज सुकुमारन। मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन मास्क के पीछे से अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाने में कामयाब रहे हैं। इनके हिस्से के डायलॉग्स कमाल के हैं और इनकी डायलॉग डिलीवरी में हमें एक मेच्योरिटी देखने को मिलती है जो कि बाकी एक्टर्स के केस में लैग कर रहे थे। बहरहाल ट्रेलर इतना भी बुरा नहीं है, ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग है जिसे मैं 5 में से 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंगवा और इस फिल्म के डायरेक्टर सिवा की। दोस्तों पिछले हफ्ते कंगवा का टीजर रिलीज हुआ और उसके विजुअल देखकर सभी भौचक्के रह गए। हार्डली कोई ऐसा होगा जिसे इस फिल्म का टीजर पसंद ना आया हो, अदरवाइज मेजोरिटी में लोगों की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। दोस्तों फिल्म की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और प्रेजेंटली कंगवा तमिल सिनेमा का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। डायरेक्टर सिवा ने सूर्या और बॉबी देओल को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो कमेंडेबल है और इनके विजन की वाकई तारीफ करनी होगी। शायद इसीलिए डायरेक्टर सिवा अब बॉलीवुड एक्टर्स के लिए डिमांड में हैं। दोस्तों रणबीर कपूर और वरुण धवन जैसे एक्टर्स चर्चा में हैं जिनको लेकर आने वाले समय में डायरेक्टर सिवा एक फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर कंगवा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो डायरेक्टर सिवा का बॉलीवुड डेब्यू आप कन्फर्म समझिए। जवान में शाहरुख खान और एटली कुमार, वहीं एनिमल में रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा, इन बॉलीवुड एक्टर्स और साउथ डायरेक्टर्स का कॉम्बो जबरदस्त रहा है। इसी के चलते अब बॉलीवुड एक्टर्स चाहते हैं कि उनकी फिल्म को कोई साउथ एक्टर डायरेक्ट करे। साउथ डायरेक्टर हॉलीवुड की तरफ नहीं भागते, वे रूटेड रहते हैं और अपने लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं। सलमान खान ने भी डायरेक्टर एआर मुगदास की फिल्म को ईद 2025 के लिए ऑनबोर्ड लिया है। हॉलीवुड और गजनी फेम डायरेक्टर एआर मुगदास जब सलमान खान को अपने स्टाइल में प्रेजेंट करेंगे तो वो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। बताया जा रहा है कि सलमान खान को आपने इस अवतार में कभी भी नहीं देखा होगा। फिल्म में सोशल मैसेज होगा, काफ़ी सारे इमोशनल सीन होंगे, साथ ही साथ सलमान खान का मास एक्शन अवतार भी देखने को मिलेगा। इसी तरह डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी भी सनी देओल को लेकर एक मास एक्शन फिल्म बना रहे हैं एंड सो आगे भी आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा लास्टली हम बात करेंगे SSMB 29 की। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अकॉर्डिंग महेश बाबू स्टारर SSMB 29, जिसका निर्देशन SS राजामौली करने वाले हैं, उनके पिता KV विजेंद्र प्रसाद ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट कम्प्लीट कर दी है। महेश बाबू एक ऐसे स्टार हैं जो हर फिल्म में अपना कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर देते हैं। इस फिल्म के फाइनल नरेशन के दौरान महेश बाबू को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई और उन्होंने पोलाइटली इसे चेंज करने को कहा है और रिपोर्ट्स की माने तो इस समय KV विजेंद्र प्रसाद उस चीज़ पर काम कर रहे हैं। खैर ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।